पहला सवाल, क्या कभी खुद से ही अपने बारे में रूमर फैलाया कोई? ओ, ये तो सब पहचान लेंगे कैसे? बता दो मैं थोड़ा सा ना ऐसे सीरियस रहती हूँ, क्योंकि जब शुरू शुरू में आई थी ना, तो लोग कहते थे अच्छा छोटी सी है, इसको करो स्पॉइल करो, स्पॉइल करो जो भी बिठा के रखो। मैं ना थोड़ा सा जूर होने लग गई, तो लोगों को मेरी शक्ल ऐसी, जब मैं थोड़ा सीरियस रहती हूँ ना, लोग समझते हैं कि वो बड़ी एरोगेंट है। तो मैं कहा हाँ अच्छा है, समझे जानबूझ के खड़ूस बन के बैठी होती थी, जानबूझ उनको लगे कि मैं हालांकि हूँ नहीं, मैं गुस्से में बैठी हूँ। अच्छी याद दिखी। ओके जी, जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा? मैं पहली दफा अम्मी अब्बू के साथ वहाँ गई थी उम्रे पे गई थी, तो मैंने ये सोचा हुआ था मैं बड़ा चेक आएगा ना, तो फिर मैं अम्मी अबू के साथ उम्रे पे। तो अचीवमेंट होती है यार आपकी लाइफ तो की। वो एक तो साथ उनको लेके जाना और उसके बाद उनके साथ हाथ पकड़ के खाना काबा देखना, वो लिटरली बहुत एक लार्जर देन लाइफ, जिसके बारे में पूरी जिंदगी सुन रहे होते हैं, वो खाना काबा ऐसा होता है, वो मदीना ऐसा होता है, वो आप देख रहे हो ना, तो वो बहुत एक हर बच्चे का ख्वाब होता है, ये बहुत अल्लाह ताला खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनसे ये ख्वाब पूरा करवाते हैं। ओके जी, दो स्क्रिप्ट ऑफर हो, एक में इमरान अब्बास और दूसरे में हुमायूं सईद, किसको मना करेंगी? क्यों मना करूं, दोनों अच्छे हैं, दोनों एक साथ ये डेट्स क्लैश हो रही हैं हुमायूं के साथ। ओके, इमरान भाई को कहेंगे बाद में है प्लीज। इमरान ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ऐसे ना करें, इमरान भी बहुत, ये दोनों को एक ही ड्रामे में ले लेंगे, ठीक है। ओके जी, एक्टिंग में कौन आपको टफ टाइम दे सकता है? सीन करते हो कितना यार, ये इसके साथ सीन करना मुश्किल है बहुत। मुझे लगता है इरशा गजल के साथ आपको लिटरली अपने सारे जो है ना वो एक्टिवेट करने पड़ते हैं, मतलब आप ऐसे ही नहीं एक्टिंग कर सकते, आपको तैयार होना पड़ता है। नुमान एजाज, नुमान भाई वाह, बहुत मजा आता है। सेट पर कौन सी ऐसी तीन हस्ती है जो दर्द सर बन जाती है? मेरा मेकअप रूम अलग होता है, मुझे नहीं पता होता कि सेट पे चल क्या रहा है, सिर्फ सीन में होती है और मेकअप रूम में वापस है, तो लिटरली मुझे नहीं पता सेट पे। और मैंने किया भी इसीलिए अलग है क्योंकि मेरे ऊपर ना वाइब बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, तो कहीं गॉसिप हो रही हो तो मैं उसमें लग जाती हूँ, दिमाग नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी आती है तो आपका कैरेक्टर में से दिमाग निकल जाता है, तो नहीं पता लगता मुझे क्या चल रहा है। अगर किसी की पेंटिंग बनाना चाहेंगी तो वो किसकी होगी, फवाद खान, शुएब मलिक या जाहिद अहमद? शुएब मलिक बना लेंगी क्योंकि आसान है, ऐसे वी बनाया जिससे जान छुड़ाना मुश्किल हो गई हो? कोई एक बहुत ये वैसे क्यूट बात है, लेकिन हाँ एक बंदा है जो हमारे घर के आगे आके खड़ा हो जाता है, उसको ये भी पता होता है कि मैं कब निकल, अभी आजकल नहीं, आजकल नहीं, ये आई थिंक एक डेढ़ साल पहले की बात है। okay. तो वो कंटिन्यूसली आता था, मेरे अबू से रोजाना मिलते थे, वो कहते थे हाँ हाँ बेटा मैं मिलवाऊंगा, मैं मतलब वो ऐसे दोस्त बन जाते, मैं कहती थी अबू ये नहीं करना होता। तो उस दिन एक दिन अचानक मैं रात को निकल रही थी, तो वो अबू ने उसको बिठाया हुआ है अंदर और चाय पिला रहे उसे, मतलब सोचे घर में लिया बहन को, एक स्टॉकर को, कह रहे बेटा ये बड़े दिनों से आया हुआ है और आज तो अपनी बहन को भी साथ लेकर आया है। तो मैंने कहा यही सारे अब्बू अम्मी, एक दिन मेरी अम्मी, एक दिन मैं शूट से आया, मैं अभी शावर लेके बाहर निकला, अम्मी कह रही कोई मेहमान है, अच्छा मुझे लगा फैमिली का कोई मेहमान है, मैं वहां पे गया, दो लड़कियां बैठी हुई ड्राइंग रूम में, अब अम्मी से मैंने नहीं पहचाना, मैंने कहा अम्मी कौन है, लड़कियां आई थी, हाँ लड़कियां दो, अम्मी कौन है, अम्मी कह रही वो फैन है, वो देख के आई है, उनकी फला फला नेबर की रिश्तेदार है, तो उन्होंने बताया तो आई मिलने, मैंने अम्मी को देखा थैंक यू सो मच आप आई, ये वो, अच्छा मुझसे करिए आप ड्रामे में यू करें ना, आप ड्रामे मुझे मशवरे देने लग गए, मैंने कहा जी बिल्कुल यू करूंगा, मैं 12 है, मैंने अम्मी घर में इस तरह नहीं बुलाते, हालात कितने खराब है, आपको क्या पता कि कौन है, क्या करने आ रहा है, घर देखने आ रहा है, वो एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पे चल रहे थे। ओके, कितनी बार सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया? बहुत दफा, कहाँ कहाँ ये बताओ, कहाँ कहाँ भाई, मुझे कभी अपॉइंटमेंट्स नहीं लेने पड़ते, कॉल करती हूँ चली जाती, सलून वगैरह में, सलून में आज तक पैसे नहीं देने पड़े, ये आज तक कपड़े नहीं खरीदने पड़े, देखो यार तुम्हें बता रही हूँ जो बता देना क्या हुआ, चलो ये तो ब्लेसिंग है, सही कपड़ों के पैसे बच गए, सलून के पैसे बच गए, सारे बड़े बड़े खर्चे तो बच गए। हाँ तो मैं तो कहती हूँ मुझसे जो शादी करेगा उसको तो मेरे पांव छूने चाहिए, कि ये बंदी का तो कोई खर्चा ही नहीं है कि नहीं, हाँ सब कुछ बुरा रहो, आप अग्री नहीं तस्वीर लगाएंगे आप, हाँ ये तो मतलब देखो ये तो मेहनत का सिला है ना, जो आप सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहे होते हो, धूप में एसी भी नहीं चल रहा था, पंखे भी नहीं चल रहे थे सेट पे, नहीं लेकिन लेकिन सिर्फ ये वन साइड नहीं होता, आई मीन इट्स ऑलवेज अ बिजनेस, के अगर अगर वो हमें फ्री कपड़े दे रहे हैं तो दे आर गेटिंग अ पिक्चर आउट ऑफ इट, प्रमोशन मिल रही है उनको, फ्री की प्रमोशन मिल रही है। आपका आइडियल कैसा होना चाहिए? मुझे देखे
जिससे शादी में चाहती है वो आदमी हो, मतलब उसमें मेनली ट्रेट्स हो, वो औरत को औरत समझ के उसकी इज्जत करे, उसकी बराबरी ना करे। आप एक क्वीन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप भी तो किंग बने। बिल्कुल सही बात। ओके जी, ऐसा कैरेक्टर जो शूट करने के बाद आपके अंदर रह गया हो? बताया था भी मैंने आपको, वही वाला, ये वाला जो मुंह टेढ़ा करने लग गया, शराब था जो मेरे पास ज्यादा रह गया था। ओके जी, अपनी कौन सी आदत है जो बदलना चाहेंगी? टाइम पे आने वाली है। मैं कहने वाला था टाइम पे आने वाली। सुनने में कितने ऑनेस्ट जवाब दे। अच्छी बात है। क्या कभी इंस्टाग्राम पे क्या इनाम नहीं मिलेगा? इनाम आपको बिल्कुल, भाई कहाँ है वो डब्बा रखा हुआ तुमने? अगर अदाकारा ना होती तो क्या होती है? बैडमिंटन प्लेयर, स्क्वाश प्लेयर या क्रिकेटर या अपनी पसंद का कोई प्रोफेशन? फिर ऑब्वियसली फिजियोलॉजिस्ट होती क्योंकि मैंने वो पढ़ा हुआ है। लेकिन इसकी एक अच्छा ऑप्शन है, क्या है? बैडमिंटन प्लेयर, स्क्वाश प्लेयर या क्रिकेटर? स्क्वाश प्लेयर। दीवारों पर डबा डबा। मैं बहुत अच्छा स्क्वाश खेलता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम अ वेरी गुड स्क्वाश प्लेयर।